लेट्स डू क्वेश्चन नंबर एर्थ ऑफ एक्सरसाइज सिक्स डी दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर एर्थ इज़ इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ ए एंड बी इन द रेशो ऑफ टू इज टू थ्री दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के देखिए मैंने फिगर बना रखी है वो कह रहा है ए बी जॉइंट है और सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड करता है टू इज टू थ्री रेशो में तो हमें ये जो के है इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए हम लिख लेते हैंज सी डिवाइ्स ए बी ए बी एंड टू इस टू थ्री रेशियो तो हम x का अकॉर्ड देखिए k कौन सी प्लेस पे है x की प्लेस पे है राइट क्योंकि ये x की प्लेस है ये y की प्लेस है c के पॉइंट की तो हम x पॉइंट ही लेंगे तो x का फॉर्मूला क्या होगा m x2 टू प्लस एन एक्स वन अपन एम प्लस एन अब एम एन एक्स टू एक्स वन क्या होंगे यहाँ साइड में लिख रही हूँ देखिए एम हुआ पहली रेशो टू और एन हुआ थ्री राइट ये एन हुआ थ्री अब एक्स टू एक्स वन क्या होंगे एक्स वन होगा ए के कोऑर्डिनेट दैट इज टू वाई वन हुआ सिक्स और एक्स टू वाई टू होंगे बी के कॉर्डिनेट दैट इज फाइव y2 हुआ हमारा वन तो पुट कर देते हैं वैल्यू देखिए ये x की प्लेस पे क्या था c का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे x और y भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए y है फोर तो x की प्लेस पे आ गया k इक्वल्स टू टू एक्स टू है हमारा फाइव प्लस n है हमारा थ्री और x वन है हमारा टू अपॉन टू प्लस थ्री अब देखिए ये कितना आ गया k इक्वल्स टू टू फाइव ज टेन प्लस थ्री टू ज सिक्स अपॉन फाइव तो ये कितना आ गया k की वैल्यू दैट इज सिक्सटीन अपॉन फाइव इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर नाइंथ ऑफ एक्सरसाइज सिक्स डी दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर नाइंथ इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी हमें ये कह रहा है कि हमें वो पॉइंट निकालना है एक्स एक्सेस पे जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए से भी और बी से भी तो वो पॉइंट एक्स एक्सेस पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए हमें हम हमें जब ये कोऑर्डिनेट दिया होता था तो हम उसको एम एस टू एन की फॉर्म में लेते थे और जो भी वैल्यू हमारी कांस्टेंट में होती थी एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट तो हम उसके अकॉर्डिंग करते थे अब वो सिंपली कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स एक्सेस पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस तो इसका मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सेस पे है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्राफ बनाते हैं और कोई भी पॉइंट एक्स एक्सेस पे होता है तो वो हमारा एक्स तो पॉइंट होता है कोई ना कोई लेकिन y हमारा वहाँ पे जीरो हो जाता है तो पी पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे हमारा एक्स एंड जीरो हो गया राइट right? क्योंकि ये एक्स एक्सेस पे था इसलिए यहाँ पे y हमारा जीरो हो गया है तो हमें क्या निकालना है आप क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट हमें ये पॉइंट निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है और अब इक्वी डिस्टेंस एक चीज़ और कह रहा है क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये और ये डिस्टेंस सेम है तो कैसे निकालेंगे देखिए हमें पता है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो गया क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे एज पी इज पॉइंट पी इज एट इक्वी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पे है राइट right? तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा जब ए पी इक्वल्स टू पी बी है तो उसका स्क्वायर भी सेम होगा राइट तो अब हम कैसे निकालेंगे देखिए हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है अब हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेंगे अब हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो पहले हम एक्स और वाई मान लेते हैं x माना हमने x और y माना p के कोऑर्डिनेट्स को तो x और y आ गया जीरो x1 y1 माना हमने a के कोऑर्डिनेट्स दैट इज माइनस वन वाई वन आ गया जीरो और x2 y2 माना b के कोऑर्डिनेट्स दैट इज फाइव वाई टू आ गया हमारा जीरो तो आप ए पी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दिस x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अब पी बी का पी बी के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वही एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्स दे रखा है एक्स माइनस एक्स वन दे रखा है माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y कितना दे रखा है y दे रखा है हमारा जीरो y1 वन भी ज़ीरो का होल स्क्वायर x कितना दे रखा है अगेन x दे रखा है x माइनस एक्स कितना दे रखा है फाइव का होल स्क्वायर प्लस y कितना दे रखा है y दे रखा है जीरो और y2 भी जीरो तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर तो ये कितना आ गया देखिए x माइनस माइनस प्लस वन तो x प्लस वन आ गया का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि ज़ीरो माइनस जीरो ज़ीरो और उसका स्क्वायर भी जीरो इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव एज इट इज लिख रही हूँ का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल्स टू इसी तरीके से एक माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वन का स्क्वायर इज वन प्लस टू एक्स आ गया टू इंटू एक्स इंटू वन तो टू एक्स आ गया अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव टू जो टेन एक्स टेन एक्स आ गया अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों साइड प्लस की है तो मैंने यहीं की यहीं उसको कैंसिल कर दिया अब x की टर्म्स एक साइड नॉन x टर्म्स एक साइड तो 2x एक्स एज इज़ टेन इधर आ गया प्लस का हो गया 25 फाइव एज इज़ अपनी प्लेस पे 1 उधर आ गया तो माइनस का हो गया तो ये आ गया 12x एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी तो x की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेल्व दैट इज टू तो हमारा पॉइंट क्या हो गया हैंस यहाँ साइड में लिख रही होंस पी पॉइंट आ गया हमारा एक्स ज़ीरो था तो एक्स की प्लेस पर हमने टू लिखा और ज़ीरो इज द आंसर